नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी, विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, विपक्ष का सदन में हंगामा लगातार देखने को मिला। चिटफंड कंपनियों की को लेकर सरकार को घेरा गया है। बड़ी जानकारी, गृहमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में भी आज भी विपक्ष द्वारा सदन में हंगामा किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर चिटफंड कंपनियों को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा और गृहमंत्री के जवाब से विपक्ष फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में विपक्ष का सदन में हंगामा देखने को मिला। चिटफंड कंपनियों को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा और गृहमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिख रहे विपक्ष। बड़ी जानकारी, विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है आज और ऐसे में लगातार विपक्ष द्वारा तीसरे दिन भी हंगामा किया गया। चिटफंड कंपनियों को लेकर मुद्दा उठाया गया और सरकार को विपक्ष ने घेरा। गृहमंत्री के जवाब से विपक्ष वहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चिटफंड कंपनियों को लेकर सरकार को घेरा गया और गृहमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और इसमें आज भी विपक्ष द्वारा जोरदार हंगामा किया गया और चिटफंड कंपनी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। फिर एक बार चिटफंड कंपनियों का मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया गया था, हालांकि गृहमंत्री ने जवाब तो दिया लेकिन गृहमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जानकारी से आपको रूबरू करा दें। वैसे बड़ी खबर, विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि तीसरा दिन भी हंगामे का कारण होने वाला है और ऐसे में तीसरे दिन भी विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा किया गया। और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर विपक्ष का सदन में हंगामा देखने को मिला और चिटफंड कंपनियों को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा है और गृहमंत्री के जवाब से फिलहाल विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शीतकालीन सत्र को लेकर जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में विपक्ष ने जमकर सदन में हंगामा किया और चिटफंड कंपनियों को लेकर सरकार को घेरा और तमाम मुद्दे भी विपक्ष द्वारा उठाए गए, जहां गृहमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहां पर विपक्ष का सदन में फिर एक बार हंगामा देखने को मिला है और चिटफंड कंपनियों को लेकर सरकार को घेरा गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौरासिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि आज सदन का तीसरा दिन है, सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में फिर एक बार विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा किया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जिस तरीके से सामने यहाँ पर तीसरा दिन है आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का, जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है, प्रश्नकाल के दौरान जहाँ वह गर्भगृह में पहुंचकर उसने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, उस टिप्पणी पर न केवल गर्भगृह में प्रवेश किया बल्कि उन्होंने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से पूरी तरह खेद भी व्यक्त करवाया। तभी वह लेकिन जिस तरीके से 12 विधायक उस समय निलंबित हुए थे, क्योंकि गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद यहां स्वतः निलंबन की कार्रवाई हो जाती है। इसके बाद आज जिस तरीके से जो महिला समूहों का जो रेडी टू ईट खाद्य पोषक आहार बनाने का जो कार्य है
वो राज्य सरकार ने अब उनसे छीन कर बीज निगम को दे दिया है। तो ऐसे में ये मुद्दा आज विपक्ष की ओर से उठाया गया, जो कि पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर द्वारा उठाया गया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस पर जवाब दिया, तो उनके जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने यहाँ जमकर हंगामा किया और एक बार फिर वह गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नारी शक्ति के जिस तरीके से सरकार पूरी तरह खिलाफ नजर आ रही है, और महिला स्व सहायता समूह जो कि लगभग 20,000 है, 20,000 महिला स्व सहायता समूहों को एक तरह से बेरोजगार कर दिया है, तो इसे लेकर विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था। इसे लेकर गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। यहां पर 11 विधायक विपक्ष की ओर से निलंबित हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, साथ ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहली, तो सौरभ सिंह, रंजना दीपेंद्र साहू, इस तरीके से 11 विधायक एक बार फिर से निलंबित हुए हैं। और पूरी तरह से यहाँ पर चिटफंड कंपनियों का भी मामला उठा है। चिटफंड कंपनियों के मामले में यहाँ पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं सरकार पर कि किस तरीके से कार्यवाही की जा रही है, जिस तरीके से चिटफंड कंपनी और सहारा इंडिया में किस तरह कितना निवेश किया है, हितग्राहियों को वो पैसा कब मिलेगा, ये सारी चीजें आज सदन में उठाई गई है विपक्ष की ओर से। अभी सदन में कार्यवाही जारी है। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार आपके पास लौट